अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे और बड़े ही मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हेल्दी स्नैक्स जो कि आप घर पे बना सकते हो। अभी नया साल शुरू होने वाला है तो आप ये न्यू ईयर पार्टी में भी बना सकते हो। ये है खस्ता यानी नमक पारा। ये आटे का बनेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, और खा कर आपका दिल खुश होगा और जिसको देंगे वो भी बहुत ही खुश होगा। तो फर्स्ट क्या करना है, एक छोटी कटोरी लेना है, इसमें डालना है 3 टीस्पून भर के देसी घी डालना है, और इसमें 3 टीस्पून में 2 टीस्पून गेहूं का आटा मिक्स करके रख देना है। 1 टीस्पून अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरा टीस्पून आटा डाल करके अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। पहला काम ये हो गया। अब एक बाउल में लेंगे होल व्हीट फ्लावर यानी गेहूं का आटा, लेंगे 250 ग्राम। इसमें जाएगा 3 चाय के चम्मच यानी कि 50 ग्राम के करीब देसी घी। इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम अजवाइन। इसे अच्छे से रब करके डालेंगे, रब करने से फ्लेवर अच्छा आता है, खुशबू खिल कर आता है। 1/2 टीस्पून से भी कम नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। मेन इसको मिक्स कर दीजिएगा अच्छे से, तभी खस्ता बनेगा। ऐसे नहीं डाल के बस पानी दे गून दिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से अगर आप बांधोगे, ये बनता है आटा, सूखा आटा, तो समझिए मोइन बहुत अच्छा है। नहीं बन पा रहा है तो आप 1 टीस्पून देसी घी और डाल दीजिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके हार्ड सा लेकिन नरम आटा गूंदना है। इसका मतलब है कि पानी डालना है कम लेकिन गूंदना है ज़्यादा, यानी ताकत से अच्छे से दबा दबा करके गूंदना है। अब जब आटा गूंज जाए तो इस तरह से आप खींच के देख सकते हो। इस तरह से जब आटा खींचने से फट करके जो निकले तो समझिए कि बहुत ही खस्ता नमक पारा बनेगा। अब इसे ढक के कम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा छोड़ दीजिए ताकि आटा सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद 3 चपाती के बराबर एक पेड़ा बनाना है, लोई बनाना है, और इसको बेलना है थोड़ा थिक, रोटी के जैसा इसको बेल लेना है। बहुत आसानी से बिल जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट हो गया। जब आधे घंटे के लिए आप छोड़ दोगे रेस्ट करने के लिए तो बहुत अच्छे से आटा एकदम सेट हो जाता है। तो ये जितना हो सके उतना बेल लिया है, और उसके बाद ये जो हमने रखा था मिक्स करके आटा और घी, इसमें डालना है 1 टीस्पून के करीब, और डाल के पूरे रोटी पे जो हमने बनाया है सारे पे फैला देना, अच्छे से फैला देना है, एक कोट कर देना है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है, गोल गोल घुमाना है बराबर से करके, बराबर बराबर करके। सूखा आटा और घी मिलने से क्या होगा कि एक तो खस्ता होगा और एक दूसरे में चिपकेगा नहीं, एक लेयर लेयर होगा। इस तरह से सारा बना लेना लपेट करके। इसको आप एक एयरटाइट डब्बे में या कैरी बैग में लपेट करके फ्रीज़र में रख दीजिए कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा के लिए, ताकि सेट हो जाए। इसको काटेंगे तो गोल गोल निकलेगा। तो हमने तो 10 मिनट के लिए ही छोड़ा था, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। उससे कुछ टेस्ट में फ़र्क नहीं होता, काटने में आसानी से कटेगा, शेप में कटता है। तो इस तरह से छोटा छोटा कट कर लेना है, जितना हो सके पतला, 1/4 सेंटीमीटर से भी कम, जितना हो सके पतला कट कर लेना है। अब इसको बेलना है, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन ये जो नमक पारा बनेगा बहुत ही ज़्यादा खस्ता और एकदम लेयर लेयर छूटेगा। इसको आप चाय के साथ खाइए तो बस मज़ा आ जाएगा। इस तरह से बेल लेना है। अब इसके ऊपर घी लगाना है, वो आटा वाला घी नहीं, सिर्फ घी लगाना है, लगा के इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो हर छोटा छोटा जो लोई हमने कट कर करके रखा है उसको लेना है, बेलना है, और बेल के उसके ऊपर घी लगाना है, और घी लगा करके इस तरह से एक बार फोल्ड किया, उसके बाद दोबारा इस तरह से फिर फोल्ड कर दिया। अब इसके ऊपर आप चाहें तो इसको ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हो, एक काली मिर्च इसके बीच में आप इस तरह से टक कर दीजिए तो ये ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। सर्दियों में काली मिर्च बहुत ही फ़ायदेमंद हमारे गले के लिए है। अब ये देखिए, इस तरह से अगर हो तो घबराने की बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ख़राब हुआ है। ये हमने बनाया है लेयर, तो ये इस तरह से छूटेगा। आप दूसरी साइड से इसे फोल्ड कीजिए, और घी लगाना है, काली मिर्च एक टक कर दीजिए, नहीं पसंद है तो काली मिर्च स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने काली मिर्च वाला भी बनाया है और विदाउट काली मिर्च भी बनाया है। छोटे बच्चों के लिए अगर है तो बिना काली मिर्च के बना लीजिए। सारे नमकीन बन गए हैं तो पैन में तेल गरम करना है, हाई फ्लेम करके जितना तेल हो उस हिसाब से नमकीन डाल देना है। ऐसे 15 से 20 एक बार में डाल देंगे, डाल के फ्लेम हाई रखेंगे। एक बार जब सारा खिल जाए तो मीडियम फ्लेम करके लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हाई फ्लेम करके सारा छान के निकाल लीजिए। ये हेल्दी साइज स्नैक्स है, इसको आप कभी भी बना सकते हो, जब भी चाय के साथ
बनाना हो तो फटाफट बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बना के आप स्टोर करके महीनों रख सकते हो, एयरटाइट डब्बे में रख दीजिए, जब भी दिल करे खाने का तो खाइए। बच्चों का बर्थडे पार्टी हो या कैसी भी पार्टी हो, ये आप खस्ता बना के देखिए, सभी लोग तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, इतना अच्छा खाने में लगता है। मेन है हेल्दी है, आटे का बना हुआ है, अभी सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, सभी लोगों को मैदा अवॉइड करते हैं, तो ऐसे में ये स्नैक्स बहुत ही अच्छा रहेगा। ये हमने बना दिया, अब बनाएंगे नारियल का लड्डू जो कि होममेड होगा। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये घर का बना हुआ है, लगेगा कि जैसे आपने मार्केट से लाया है। तो सबसे पहले हम चीनी को पीसेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप से थोड़ा कम लिया है, 200 ग्राम के करीब लेना है चीनी। मिक्सर जार में डालना है, 25 से 30 दाने ये लेना है किशमिश, वैसे ही काजू लेना है, 5 से 6 लेना है हरी इलायची यानी छोटी इलायची, इसका बीज सिर्फ चाहिए, छिलका नहीं चाहिए। बीज को हम चीनी के साथ पीस लेंगे, सारे इलायची का मुंह खोल करके इसका बीज निकाल लेना है और चीनी में डाल देंगे, डाल के इसका पाउडर बना लेना है, फाइन सा पाउडर, बहुत आसानी से बन जाएगा, 1 मिनट के अंदर अंदर बन जाएगा। देखिए पाउडर बन गया है, मिक्सर जार जब खोलिए तो इस तरह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये बहुत ही फाइन सा फ्लेवर्ड वाला हमारा शुगर पाउडर रेडी है। शुगर पाउडर रेडी है तो बस नारियल का लड्डू बनाने में आधा घंटा लगेगा, मेन है दूध को सुखाना। तो ये देखिए बहुत ही फाइन सा हमारा शुगर पाउडर रेडी हो गया है। अब क्या करना है, काजू को भी छोटा छोटा टुकड़ा में कट कर लेंगे ताकि लड्डू में हर लड्डू में 2-4 आए। अब इस तरह छोटा छोटा टुकड़ा काजू का भी कर लेंगे, किशमिश को भी छोटा छोटा कट कर लेंगे, एक किशमिश को 3 या फिर बीच से 2 टुकड़ा कर देंगे। ये काम हो गया, अब क्या करना है, पैन चढ़ाना है। तो स्टोव ऑन करके मैंने पैन चढ़ा दिया है, मोटी तली का पैन लीजिएगा, हो सके तो नॉन स्टिक पैन। इसमें 1/2 लीटर दूध, तो जैसे यहाँ पे 250 ग्राम नारियल का पाउडर हम ले रहे हैं कोकोनट पाउडर, तो 1/2 लीटर दूध फुल क्रीम मिल्क लेना है। इसको अच्छे से चलाते हुए कंटिन्यू इसको सुखाना है ताकि जले या चिपके नहीं। जब दूध 1/4 रह जाए, जैसे कि 2 कप दूध था, 1/4 कप रह गया, तो इसमें नारियल पाउडर हम मिक्स करेंगे। आप देख रहे हो दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा रह गया है, तो इसमें हम कप से नाप करके 250 ग्राम कोकोनट पाउडर जो है 3 कप होता है, तो इसमें हम 1 कप डालेंगे फर्स्ट, डाल के मिक्स कर लेंगे, मिक्स करते जाएंगे इकट्ठे, एक बार सारा नहीं डालेंगे, 1 कप डाल के मिक्स करेंगे, फ्लेम लो कर देंगे इस दौरान, एकदम सिम फ्लेम कर देंगे, फिर 2 कप डालेंगे, इसको भी मिक्स करेंगे इस तरह से अच्छे से। जब मिक्स हो जाएगा फिर लास्ट वाला जो है 3 कप जो है सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम 1/4 कप से कम रख लेंगे कोटिंग के लिए। अब ये सारा मिक्स करके भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे, अच्छे से नारियल अच्छे से मिक्स हो जाएगा दूध के साथ और सूख भी जाएगा बहुत अच्छे से। देखो कि पाउडर जैसा बन गया है, सारा क्लीन करते जाना है। अब इसमें कटा हुआ किशमिश और काजू भी ऐड कर देंगे, इसको भी डाल करके 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भुनेंगे। भुनेंगे तो बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हो, ख़राब नहीं होगा और टेस्टी भी बहुत होता है। बहुत अच्छे से जब नारियल दूध के साथ मिक्स हो जाए, एकदम सूख जाए, पाउडर जैसा होने लगे, तो इसमें जो हमने बना के रखा है शुगर पाउडर इलायची के साथ, वो सारा डाल देंगे। डाल के अच्छी तरह से लो फ्लेम ही रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही। दूध सुखाते वक्त बेशक आप हाई फ्लेम करके सुखाइए, लेकिन आपको कंटिन्यू चलाते रखना है, लेकिन इस दौरान फ्लेम एकदम लो रखना है, लो फ्लेम पे ही मिक्स करना है, नहीं तो जल जाएगा, कलर लड्डू का ख़राब होगा। तो लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करना है अच्छे से। जब मिक्स हो जाए, लगे कि एकदम मिक्स हो गया, सूख गया, पाउडर जैसा हो रहा है, तो आप इसको बांध दीजिए। इसमें कोई घी तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, इतनी नमी है, तेल इतना है नारियल पाउडर में कि बहुत आसानी से बंधेगा। अब स्टोव ऑफ कर दीजिए। ये नारियल पाउडर जो हमने रखा है 1/4 कप से कम एक प्लेट में डालेंगे, और ये नारियल चीनी का जो मिक्सचर है लेना है, लेकिन लड्डू के शेप में बना देना है, बहुत ही आराम से बन जाएगा, क्योंकि अंदर में बहुत ज़्यादा नमी है, ऑयल है, कोकोनट है, तो कोकोनट का ऑयल रहता है, तो एकदम आराम से बनाइए, लेकिन गरम गरम ही बना लीजिए, ठंडा नहीं होने दीजिए। बहुत ही जायकेदारी लड्डू बनता है, इसको आप महीनों स्टोर करके फ्रिज के बाहर रख सकते हो, फ्रिज में तो आप चाहे हो तो 6 महीने तक रख सकते हो। तो ये हेल्दी सा स्नैक्स है जो कि बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत ही हेल्दी है। नारियल जो है हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है, पेट में अगर कीड़ा है तो ये नारियल खाने से जो है कीड़ा
मर जाता है। और बहुत ही फ़ायदेमंद है सर्दियों में, तो ये लड्डू आप बना लीजिए, न्यू ईयर पार्टी में बना लीजिए, जब भी दिल करे तब बना लीजिए, कहीं जा रहे हो तो बना के ले जाओ, बाहर से स्वीट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बना लो होम मेड स्वीट, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। और ये हेल्दी सा स्नैक्स अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये लड्डू और ये नमकीन जो हमने नमक पारा बताया है, दोनों ही आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से बनता है और बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है जो आपको और आपके घर वालों को पसंद आएगा। तो खूब सारा अपना ख्याल रखिए, हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।